में कैसे रात को लगा रहे हैं? जैसा ठेकेदार बोले वैसे। ठेकेदार कौन है? पंचायत। लगता है आपके लंबे समय तक चलेगा? क्यों नहीं चलेगा, कैसे चलेगा बताइए। कैसे चलेगा आप ही बताइए ना। आप लोग जो राड यहाँ यूज नहीं होना चाहिए वो राड हलाई की थिकनेस, ऐसा लग रहा है सिर्फ इसमें चटनी चटा दिया गया है, सिर्फ नाम का यहाँ पर ढलाई किया गया है और बाकी नीचे देखिए आपको सिर्फ मिट्टी नजर आएगी। यहाँ ज़्यादा mm का राड यूज होना चाहिए, वहाँ देखिए कैसे 8 mm का राड यहाँ यूज किया जा रहा है। और देखिए अगर हम आए दिन आपको झोल झपाटा तो सुनने के लिए मिलता है, और कैसे जो पंचायत है पंचायत में कैसे झोल झपाटा होता है, और जो नए नए बिल्डिंग है कैसे साल दो साल में ढह जाता है। देखिए अभी तो फिलहाल मैं आपको नाली दिखाने वाला हूँ। देखिए ग्राम पंचायत लावर में नाली बनाया जा रहा है, और देखिए जहाँ ज़्यादा mm का राड यूज होना चाहिए वहाँ देखिए कैसे 8 mm का राड यहाँ यूज किया जा रहा है, और दूर दूर में यहाँ पर राड लगाया जा रहा है। और मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा, देखिए ढलाई की थिकनेस, ऐसा लग रहा है सिर्फ इसमें चटनी चटा दिया गया है, सिर्फ नाम का यहाँ पर ढलाई किया गया है और बाकी नीचे देखिए आपको सिर्फ मिट्टी नजर आएगा। देखिए इस तरीके से अगर ग्राम पंचायत में देखिए अगर इस तरीके से कार्य होगा तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि क्या ये लंबे समय तक चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा, एक दो बारिश में ये नाली का आपको सिर्फ निशान मिलेगा लेकिन नाली कहीं आपको नहीं मिले। देखिए मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ कि ये देखिए 8 mm का यहाँ राड यूज किया जा रहा है, जो कि रिंग वगैरह वगैरह के लिए काम यूज होता है, लेकिन यहाँ सीधा सीधा ढलाई के लिए इसको लगा दिए गए। कैसे झोल झपाटा हुआ जाता है, जो पैसा तो ऐसे देखिए अगर हम फंड की बात करें तो फंड आता है, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए कैसे घटिया मटेरियल और इस तरीके से मटेरियल को बचाया जाता है, और जो पैसा आता है उसे अपने जेब भरा जाता है उस पैसे से। अभी मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि मैं ग्राम पंचायत लावर में हूँ, और एक कार एजेंसी की बात करें तो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत द्वारा इस नाली को बनाया जा रहा है। लगभग बताइए अभी का भैया कितना होगा लंबाई इस नाली का? लंबाई चौक तक जाएगा लगभग 300-400 मीटर होगा। हाँ होगा। तो आप लोग इतना दूर दूर में कैसे राड को लगा रहे हैं? जैसा ठेकेदार बोले वैसे। ठेकेदार कौन है? पंचायत है। पंचायत है। और ऊपर से आप लोग ये 8 mm का राड यहाँ लगा रहे हैं? हाँ। क्यों लगा रहे हैं? 8 mm का आर्डर है, पंचायत बोला है। हाँ। अच्छा, लगता है आपके लंबे समय तक चलेगा? क्यों नहीं चलेगा, कैसे चलेगा बताइए। कैसे नहीं चलेगा भाई, कैसे चलेगा आप ही बताइए ना। आप लोग जो राड यहाँ यूज नहीं होना चाहिए वो राड यहाँ लगा रहे हैं, और ऊपर से ये इसकी थिकनेस, अच्छा ये सीमेंट भी लगता है आपको बराबर सीमेंट इसमें डाला होगा या रेशियो में? हम डाले तो कैसा नहीं रहेगा भाई, बताइए ना। हम डाले हैं ना। लगता है आपको 8 mm का यूज होना चाहिए? होता है 8 mm का? 8 mm का बोला है तो 8 mm डाल रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग इतने समय से काम कर रहे हैं, आपको लगता है सही है 8 mm का डालना? 8 mm का सिर्फ रिंग वगैरह के लिए यूज होता है, ढलाई के लिए नहीं होता। तो 8 mm का नाली के लिए बोला है तो 8 mm तो बोले है, इसलिए आप लोग लगाए। हाँ चलिए, देखिए इनका कहना है कि पंचायत द्वारा यही निर्देश दिया गया कि 8 mm का लगाना चाहिए। और नीचे में राड बिछा है कि नहीं बिछा है? बिछा है, बिछा है। हाँ ऐसी दूर दूर में ऐसी दूर दूर में बीच में एक राडार है। अच्छा हाँ चलिए ठीक है। देखिए इनका कहना चाहे जो भी हो लेकिन साफ साफ यह नज़र आ रहा है कैसे मटेरियल बचाया जा रहा है, और गुणवत्ताविहीन कार्य हो रहा है। देखिए मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, ग्राम पंचायत में आए दिन घोटाला नज़र आता है, और एक घोटाला मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको लाइव दिखा रहा हूँ। देखिए घोटाला यहाँ कैसे मटेरियल बचाया जा रहा है, और ऊपर से अच्छा ये कौन सा राड है बताएंगे कंपनी का नाम? कंपनी का कामधेनु। आप आइए भैया एक मिनट। कामधेनु ये कौन सा राड है? कामधेनु। हाँ ISI मार्कर। हाँ अच्छा ये इसका वैसे दूरी क्या होना चाहिए अगर सही उसमें जाएंगे हम लोग तो कितना होना चाहिए दूरी? 1.5 फीट रहना चाहिए। और ये कितना है? 1.5 फीट है, 18-20 इंच है, 2-3 इंच कम ज़्यादा है। अच्छा है, मतलब लग रहा है इसमें 2-3 इंच दूर में करके मटेरियल बचाया जा रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा आपको लगता है सही काम हो रहा है? सही हो रहा है। अच्छा हाँ चलिए ठीक है, इनका कहना है सही काम हो रहा है, लेकिन देखकर तो नहीं लगता कि काम सही